आपको ये निकाह कबूल है? अरसलान, फाजी साहब इंतजार कर रहे हैं, जवाब दो। जी मौलवी साहब, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। आप प्लीज अंदर चले, मैं आपसे कह रहा हूं आप अंदर चले। आप अंदर आ जाए। नहीं ये तुम दोनों यहां क्या कर रही हो? वो आली साहब का हुक्म था कि मैं इन्हें अरसलान साहब के कमरे में छोड़ाऊं। क्या? अरसलान के कमरे में? क्या बेहुदा मजाक है? दिमाग तो खराब नहीं हो गया तुम्हारा जो इसे यहां उठा लाई हो? ये रहेगी अरसलान के कमरे में? मेरे अरसलान के कमरे में ना उसकी पसंद की लड़की और अच्छे हसब नसब की लड़की रहेगी। ये लड़की रहेगी जो सारी जिंदगी हमारी उतरन और हमारे टुकड़ों पे पली है। बात सुनो, दफा हो जाओ अपने क्वार्टर में। कागज पे ना नाम पता बदल लेने से हैसियत ही बदल जाती है इंसान की। दफा यहां से, निकलो अपने क्वार्टर में। जी साहब जी। क्या तुम लोग यहाँ क्यों खड़े हो? मैंने तुम्हें कहा था कि दुल्हन को कमरे में छोड़ो। अच्छा, हाँ, बहू के इस्तकबाल के लिए खड़ी है, बहुत अच्छी बात है। ये खाली हाथ क्यों? कुछ हार फूल लेकर आओ। जाओ शाबाश, जाओ लेकर आओ। आने की जरूरत नहीं, सब ठीक हो जाएगा। लो, तुम कमरे में जाओ। शाबाश।
वैसे क्या आलीशान किस्मत पाई है अब्दुल रहीम भाई ने, पहले तो आली साहब को मुलाजिम बना रहा और फिर बाकायदा रिश्तेदारी जोड़ ली, यानी कि पांचों उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में। वाह भाई वाह। हाँ, और एक हम ही तो हैं भाई, सारी जिंदगी मालिकों की जूतियाँ सीधी करके रह गए और वहीं के वहीं रह गए। अब यार छोड़ ना, चल अंदर चलते हैं, अरसलान साहब के निकाह की मिठाई खाएंगे। यार क्या मिठाई है ईमान से, आजा। माफ कीजिएगा नहीं बीबी, ये निगत है ना, इसका दिमाग कभी कभी बिल्कुल आउट हो जाता है, उसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। तुम क्यों माफी मांग रहे हो? और ठीक ही तो कह रही है वो, मुफ्त की रोटियां ही तो तोड़ रही हूँ मैं, बोझ बन गई हूँ तुम लोगों पर। कोई किसी पर बोझ नहीं होता है नहीं, हर इंसान अपने नसीब का खाता है। आज तक किसी की हिम्मत नहीं थी मुझसे इस तरह बात करे, बदतमीजी करे, इतना चीखे चिल्लाए, इतने ताने दे मुझे, लेकिन क्या करूं, मजबूर हूं ना, मजबूरियां इंसान के मुंह पे ताले लगा देती है, मुंह बंद कर देती है उसका। और ये सब कुछ तुम्हारे दोस्त की वजह से हो रहा है, उसने मेरा तमाशा बनाकर रख दिया है। प्लीज एनी, आप इस तरह रोए मत, ते नसीब को रो रही हूं मैं, वरना किसी को शौक थोड़ी होता है इस तरह सुबाने का। तैमूर, मुझे जॉब करनी और तुम मुझे मना नहीं करोगे, प्लीज। Thank you.
आप डिस्टर्ब हो रही हैं शोर से। शोर तो मेरे अंदर भी बहुत हो रहा है, बहुत जोर जोर की आवाजें आ रही हैं तैमूर। किसकी सुनूं मैं? वो तो कहता था कि वो मेरे बगैर एक लम्हा नहीं जी सकता, उसकी सुबह नहीं होती थी मुझसे बात किए बगैर, फिर अब कैसे जी रहा है वो? उसे मेरा जरा भी ख्याल नहीं आता, और मैं, मुझे तो अपने ऊपर गुस्सा आ रहा है कि मैं उसकी बेवफाई पे सब्र क्यों नहीं कर पा रही। जब वो मेरी परवाह नहीं करता तो मुझे उसका ख्याल क्यों आता रहता है? जब वो मुझे भूल गया तो मैं उसे क्यों नहीं भूल पा रही हूं? अब मैं भी खुद गर्ज हो जाऊंगी, उसे बुलाने की कोशिश करूंगी मैं। कोई बात नहीं है। हैनी बीबी, क्या कर दिया आपने? आपका हाथ कट गया, ये खून निकल रहा है, आप क्या कर दिया? आप प्लीज अंदर चले, मैं आपको बैंडेज कर दूं। प्लीज चले हैनी बीबी, खून बह रहा है, आप प्लीज चले। तुम यहां क्या कर रही हो? ये मेरे कमरे में तुम क्या कर रही हो? तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई यहां पर आकर बैठने की? क्या सोच रही हो तुम? मैं तुमसे बात कर रहा हूं, तुमको आवाज नहीं आ रही है, मैं तुमसे बात कर रहा हूं। बात सुनो, एक बात गौर से सुनो, मैंने डैड की बात मान ली है, इसका यह मतलब नहीं है कि मेरी और तुम्हारी शादी हो गई है। समझ में आया तुम्हें? ये जो कुछ भी मैंने साइन किया है ना नीचे, वो सिर्फ एक डील है जिसे मैं किसी भी वक्त कैंसिल कर दूंगा। समझ आया तुम्हें? इसलिए जरा भी खुशफहमी में मत रहना। सारी बेडशीट गंदी कर दी तुम्हें। जाओ यहां से। कहां जाऊं मैं? जानू में जाओ जहां से तुम आई हो। मैं इस कमरे से कहीं नहीं जाऊंगी। क्या कहा तुमने? कहा क्या तुमने? तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई है कि तुम मेरे सामने बकवास करोगी? मत भूलो तुम अब्दुल रहीम की बेटी हो, हमारा नौकर है वो। तो तुम सिवाय एक मुलाजमा के कुछ और नहीं हो सकती हो। मैं कुछ नहीं भूली हूँ साहब, पर आप भी ना भूलें कि आपने मेरे साथ निकाह किया है। नहीं मानता मैं इस निकाह को। आपके ना मानने से हकीकत बदल नहीं जाएगी। और
ये हकीकत कभी भी नहीं बदल सकती है कि तुम एक नौकर की बेटी हो, एक मुलाजमा हो तुम। समझ में? उठो, उठ जाओ, बाहर जाओ। मैंने तुमसे कहा कि बाहर जाओ। मेरा हाथ छोड़ें, मेरा हाथ छोड़ें, मुझे तकलीफ हो रही है। मेरा हाथ तो छोड़ें। आओ यहाँ से। मेरा हाथ छोड़ें, दर्द हो रहा है मुझे। बाहर निकलो। मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूँ। बीबी क्या कर रही हैं आप? छोड़े दिखाएं। रुपया पैसा और शानो शौकत सब अपनी जगह, लेकिन एक इंसान के लिए अपनी इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं होता। मुझे तो तरस आ रहा है तुम पर। चाचा अब्दुल रहीम ने अपनी वफादारी की लाज रखने के लिए तुम्हें कुर्बान कर दिया, और अब यह जिल्लत तुम्हें सुबह शाम उठानी पड़ेगी। Thank you.
साहब 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 तुम यहां क्या कर रही हो? आपके लिए कॉफी लाई हूं। कितनी बेशर्म और ठीठ लड़की हो तुम। रात को इतना जलील किया उसके बाद भी तुम बेशर्मी से कॉफी लेके आ गई हो। मैंने मांगी थी कॉफी। नहीं, मुझे पता है आप सुबह ही सुबह कॉफी पीते हैं, इसलिए ले आई। ये ज्यादा ओवर एफिशिएंट बनने की कोशिश मत कीजिए। ये मासूम चेहरे बना बना के तुम डैड को बेवकूफ बना सकती हो, मुझे नहीं। मुझे क्या जरूरत है आपको बेवकूफ बनाने की? ये क्या कर क्या रही हो तुम? क्या कर रही हो? रखो सब, रखो रखो, उसको नीचे रखो, इधर आओ। इस तरह से जबान मत चलाया करो, मुझे इस तरह की औरतें बहुत बुरी लगती हैं। सुबह सुबह गुस्सा नहीं करें, बीपी हाई होगा, आप कॉफी पिए। कैसे गुस्सा ना करूं? तुम्हें देख के मेरा दिमाग खराब हो जाता है, आज तक तुम्हें ये समझ क्यों नहीं आया है? इधर रखो, इसको वापस रखो। क्या काम कर रही हो तुम? मैं तुमसे बात कर रहा हूं, सामने खड़ी हो। डैड के कहने से मैंने तुमसे निकाह कर ली है, अब तुम ये घर छोड़ के चली क्यों नहीं जाती हो? जाओ यहां से, इसमें कोई अनहोनी बात नहीं है। जिस तरह डैड ने मेरे साथ डील की है, मैं तुम्हारे साथ डील कर रहा हूं। तुम मुझसे पैसा ले, देखो तुम्हारी डिमांड से ज्यादा मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, लेकिन यहां से तुम चली जाओ। अब ये किस खुशी में दांत निकाले जा रहे हैं? आपको अगर मेरी डिमांड पता चल गई ना, तो आपको भी हंसी आ जानी है। क्यों? ताजमहल मांगने का इरादा है? अगर वही मांग लिया तो? जानती हो एक बात, दुनिया में इंसान के रहने के लिए सबसे बेहतरीन जगह कौन सी? उसकी अपनी औकात। औकात में रहो साहब, अभी तक मैं अपनी औकात से बाहर नहीं आई हूं। बेफिक्र रहो, मैं तुम्हें तुम्हारी औकात से बाहर आने भी नहीं दूंगा। उठो जाओ। ठीक है, मैं जाती हूँ, पर आप कॉफी पी लीजिएगा। अजी क्या कर रही हो तुम? पैकिंग कर रही हूँ। किस खुशी में? ये बात आप जाकर अली साहब से पूछ लें। पैकिंग तुम कर रही हो तो जवाब भी तुम ही दो। ये रहा आपका जवाब। ये तुमको डैड ने दिया? जी। ये जाके डैड को वापस कर दे और उठो। और जाओ, कमरे से बाहर जाओ। बाहर जाओ, उठो, बाहर निकलो, फौरन बाहर निकलो।
गुलनार, 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 गुलनार। जी 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 जी। ये सब क्या है? ये सब क्या है? मेरे कपड़े हैं, आली साहब लेकर आए थे। तो ये मेरे वार्डरोब में क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा था कि हैंग कर दूं। मेरी बात सुनो, अभी इसी वक्त इन कपड़ों को बाहर निकालो, और आज के बाद अगर ये कोई कपड़ा मेरे कमरे में नजर आए या मेरे वार्डरोब में, तो आग लगा दूंगा मैं। से निकालो सब, अभी इसी वक्त। We'll be right back.